Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. Hello guys, आज का मौसम जो है अच्छा रखा है. अभी दिखा रहा है 21 degrees. यहाँ पर टेम्परेचर 21 डिग्री दिखा रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा रखी है. तो मैंने एयरकॉन फुल ऑन कर रखा है, फुल ब्लास्ट पे, कि ज़्यादा गर्मी हो रखी है. तो अभी मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तो अभी मैं पहले जाऊँगा मैं और देखता हूँ खाने के लिए कुछ लूँ. मैं देखा है यहाँ पे एक लोकल पिज्ज़ा शॉप है यहाँ पर, तो जगह यहाँ से बोलूँगा रफली 3 या 4 मिनट की ड्राइव ज़्यादा दूर नहीं है. और वहाँ जाके मैं देखा है वो एक पिज़्ज़ा शॉप है वहाँ पर, और पता नहीं कैसे पिज़्ज़ा होते हैं वहाँ पर ट्राई करूँगा जाके कि उनका लोकल पिज़्ज़ा ट्राई करूँगा, या फिर उनके मेन्यू देखा था मैंने एक कबाब पिज़्ज़ा है. तो मैं यूजली कबाब पिज़्ज़ा खाता हूँ जब मैं डब्लिन में होता हूँ, तो ट्राई करूँगा वहाँ पे जो पिज़्ज़ा हो ऑलमोस्ट सेम हो होपफुली. तो वहीं जाके देखेंगे, चलो चलते हैं. मेरे को बहुत ही भूख लग रही है वैसे भी. तो बस मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ यहाँ पर, और मैं जाके चेक करूँगा कि शॉप कहाँ पे है. सैट ने बता रहे शॉप जो है राइट साइड पे है यहाँ पर. तो मैं वॉक करूँगा, जाके चेक करूँगा मैं कि शॉप वहाँ पे है कि नहीं. मैंने पिज़्ज़ा ले लिया है, और जब पिज़्ज़ा देखने में अच्छा लग रहा है तो आपको मैं घर जाकर दिखाऊंगा पिज़्ज़ा देखने में कैसे है. और मैं चाहता रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर जो शॉप ओनर है उसको ऑब्जेक्शन थी, तो उसने बोला कि मैं रिकॉर्ड नहीं करूँ. मतलब खुद तक नहीं बोला, यहाँ से प्यार से बोला था, तो मैंने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं करूँगा रिकॉर्ड. गाइस, अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, घर के होटल पहुंच चुका हूँ, और मैं बैग यहाँ रख रहा हूँ. मैं तो ये पिज्जा मैंने लिया है, अच्छा कर पिज्जा है. तो आपको मैं सबने छोटे से रूम का मैं कोई टूर देता हूँ. बस ये सिंगल बेड की जगह है, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी है, और नो स्मोकिंग अलाउड इन द रूम. यहाँ पे कवर है, यहाँ मेरा सूट के साथ रखा है पिंक वाला. स्टोरेज काफ़ी है यहाँ पे, और नीचे भी यहाँ ड्रॉर्स हैं, और टॉयलेट है, साफ है टॉयलेट है. तो टॉयलेट और बाथरूम टू इन वन है यहाँ पे है. और यहाँ पे टॉवल से खाने के लिए रॉड्स लगी हुई हैं. सो वैसे मैं खाना खाऊंगा और मैं आपसे मिलूंगा खाना खाने के बाद. बाय बाय. One eternity later. So now guys, मैं भी थोड़ा सा सो के उठ गया हूँ क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी. तो उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था, जैसे आप दिखाया आपको जो पिज़्ज़ा लेके आया था मैं, वो खा लिया और सीधा फ्रेश हो गया था मैं. अभी टाइम हो रहा है शाम के, सही घड़ी साथ में है, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं अभी. 1:57 तो 5:57 हो रहे शाम के,
तो बोलूँगा 6 बजे शाम के। तो क्या अभी का प्लान ये है कि मैं ड्राइव करूँगा लुबलियाना तक, तो लुबलियाना सिटी सेंटर है वहाँ तक जाऊँगा और बोलूँगा मैं कार से ड्राइव कर देखूँगा सिटी की, देखता हूँ कि नहीं कार से मैं, और जो लुबलियाना का जो वॉकिंग टूर है वो मैं कल ही करूँगा जाके, क्योंकि वैसे ही शाम के 6 बज रहे हैं अभी। सारी जगह जो होती सिटी सेंटर में वो सब क्लोज जाती हैं 5:30, 6 o'clock तक, तो अभी 6 बज रहे हैं शाम के, तो ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें होंगी वो बंद हो चुकी होंगी, तो कल ही बेस्ट टाइम है जाने का। और जो सारी मैक्सिमम चीज़ें भी लुबलियाना में वो सब खुलती हैं ऑलमोस्ट 10 AM के आसपास। वैसे भी कल थर्सडे है तो मैक्सिमम शॉप्स और बहुत से अट्रैक्शन जो भी हैं वो खुल रहेंगी 8 बजे तक, तो थर्सडे ऐसे डे है जब वो सब चीज़ें 10 to 8 o'clock इन द इवनिंग खुले रहते हैं। चलो अभी चलते हैं और तो एक्सप्लोर करते हैं ड्राइव करके कि लुबलियाना कैसे देखने में। सुनाओ गाइस, बस हम लुबलियाना के अब सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे स्लोवेनिया का फ्लैग। तो जैसे कि मैंने बोला कि सिटी सेंटर यहाँ पहुंच गए हैं, तो मैक्सिमम जो यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं वो पेडेस्ट्रियनाइज्ड हैं, तो टेक्निकली बस मैं लुबलियाना का सिटी सेंटर है उसके आउटस्कर्ट्स में घूमे जा रहा हूँ गोल 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 गोल। तो अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कार रेंट करके चलाने के लिए, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है कार रेंट करने का यहाँ पे, बस आपको जाना है और आप इंडिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तभी आपको अलाउ करेंगे कार चलाना यहाँ पर। और अगर यहाँ पर यूरोप में ही है तो आपको यूरोपियन लाइसेंस होना चाहिए कार चलाने के लिए। तो बस अंदर जाओगे आप, जैसे आपको कार रेंट करने कहीं भी जाना है, जाओगे आप अंदर, अपना पासपोर्ट प्रोड्यूस करोगे और आपका टिकट जो है अपने जिस फ्लाइट से आप आए हैं तो उसका टिकट आपको प्रोड्यूस करना है, टिकट प्रोड्यूस करेंगे और आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्रोड्यूस करना होगा। और आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट मांगते 1000 यूरो का डिपॉजिट, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फ्रंट डेस्क पे जाएंगे तो बोलूँगा 500 यूरो लगे मेरे को डिपॉजिट कार के, जो कि नॉट बैड, सही है 500 यूरो पर डिपॉजिट ही है वो। एज सून एज मैं कार ड्रॉप करूँगा वहाँ पे और कार का वॉक अराउंड करके चेक करेंगे कि कार में कोई भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल स्क्रैचलेस कार है, तो सारा जो डिपॉजिट जो है वो सारा रिफंड कर देंगे मेरे को विद इन 24 आवर्स में। अगर आपको रेंट करनी कार तो कोई इतना बड़ा वो मेजर कोई प्रोसेस नहीं है कार रेंट करने का, और ज़्यादा सारे लोग जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। A few moments later. सुना होगा इसमें भी अपने होटल पहुँच गया हूँ और अभी का प्लान ये है कि बस जाऊँगा और थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगा मैं, कि वैसे ये थकावट है सुबह पर ट्रैवल जो किया है, वैसे थकावट थकावट नहीं है पर किसी वो टायर्डनेस हल्की सी बस, वो तो इतना बुरा नहीं है। तो कल का प्लान ये है कि हम बहुत सी जगह पर जाएंगे और थोड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हम कवर करेंगे। तो कल का प्लान ये भी है कि मैं जाऊँगा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा कि ट्रैवलिंग हर चीज़ की वहाँ से, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा मैं। सो गाइस, इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, तो जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा यू बी द फर्स्ट वन टू वॉच इट। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम गुड बाय एंड टेक केयर।